हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नए घर का डिज़ाइन जो कि 3 BHK है। यह घर 40 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट डायमेंशन में डिज़ाइन किया गया है। इस घर का ओरिएंटेशन साउथ फेसिंग है और इस घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपये के बीच में आएगी। अब चलिए मैं आपको हमारे इस घर का बेसिक डिटेल्स और सराउंडिंग एरिया दिखा देता हूँ। तो इस घर में हमने ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन और कॉमन टॉयलेट का प्रोविज़न दिया है। फर्स्ट फ्लोर में हमने 2 बेडरूम और टेरेस गार्डन का प्रोविज़न दिया है और सेकेंड फ्लोर में हमने जिम एरिया और कॉमन टॉयलेट का प्रोविज़न दिया है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको हमारे इस घर का 3D इंटीरियर का वॉक थ्रू दिखा देता हूँ। अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट और मेन गेट से व्यू कुछ घर का ऐसा दिखने वाला है। अंदर जाते ही सबसे पहले लेफ्ट में और फ्रंट में आ जाता है हमारे इस घर का ग्रीन एरिया और ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया। फिर यहीं से हमारे घर का एंट्रेंस गेट है जो कि लिविंग एरिया में डायरेक्ट ओपन होता है। यह आ जाता है डाइनिंग एरिया और यह आ जाती है स्टेयरकेस एरिया। ये आ जाता है किचन एरिया और यहां पे आप जो गेट देख रहे हैं ये आ जाता है यूटिलिटी एरिया के लिए। ये आ जाता है ग्राउंड फ्लोर का कॉमन टॉयलेट। और ये आ जाता है बेडरूम 1। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट फ्लोर का वॉक थ्रू। ये आ जाता है हमारा स्टेयरकेस। फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले आ जाता है हमारा ये टेरेस गार्डन एरिया जो कि आउटडोर सिटिंग के लिए बेस्ट एरिया रहेगा। ये आ जाता है बेडरूम 2। ये आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट एरिया और ये आ जाता है बेडरूम 3 का व्यू। तो ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू जो कि रूफ एरिया है और वहाँ पे हमने जिम का भी प्रोविज़न दिया है। तो ये आ जाता है हमारा जिम एरिया या फिर जिम रूम। ये आ जाता है हमारे टेरेस का टॉयलेट एरिया। और ये आ जाता है हमारा रूफटॉप एरिया। तो ये था हमारे इस घर का
3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये है हमारे घर का 2D प्लान। अगर आपको हमारे इस घर का डिटेल 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। और अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर का 3D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 2D प्लान, अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे इस घर का 3D प्लान। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। तो ये देखिए, ये आ जाता है हमारे ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। ये आ जाती है हमारी साउथ फेसिंग रोड, यहीं से फिर हमने एंट्रेंस प्रोवाइड किया है। ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, ये आ जाता है हमारा लेफ्ट में एक ग्रीन स्पेस स्मॉल एरिया, और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन स्पेस आ जाता है जो कि पार्किंग के जस्ट आगे रहेगा। यहीं पार्किंग से हमने फिर एंट्री प्रोवाइड की है घर के अंदर के लिए। एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा लिविंग एरिया, लिविंग एरिया से कनेक्ट होते हुए आ जाता है स्टेयरकेस और डाइनिंग एरिया। फिर यहीं से कनेक्ट होते हुए आ जाता है हमारे किचन एरिया। किचन एरिया के बाजू में हमने टॉयलेट का प्रोविज़न दिया जो कि कॉमन टॉयलेट रहेगा, और उसके बाजू में आ जाता है हमारे ये बेडरूम एरिया जो कि बेडरूम 1 कहलाएगा। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान। यहीं पे हमने एक यूटिलिटी एरिया भी प्रोवाइड किया है जो कि किचन के लिए वेंटिलेशन और टॉयलेट के लिए भी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर के 3D प्लान में स्टेयरकेस अपनी ही जगह वहीं पर रहेगी। यहाँ पर बेडरूम 2 आ जाता है, बेडरूम 2 के बाजू में आ जाता है हमारा टॉयलेट एरिया जो कि कॉमन टॉयलेट कहलाएगा, और ये आ जाता है हमारा बेडरूम 3 जो कि कॉमन टॉयलेट के बाजू में रहेगा। यहाँ पे हमने टेरेस गार्डन का प्रोविज़न दिया है, और ये आ जाता है हमारा ओपन टेरेस एरिया जो कि आउटडोर सिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का व्यू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड फ्लोर का 3D प्लान। सेकेंड फ्लोर के 3D प्लान में हमने यहाँ पे एक जिम एरिया प्रोवाइड किया है, और उसी के साथ में हमने एक टॉयलेट का भी प्रोविज़न दिया है। तो ये था हमारे इस घर का 3D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई अगर आपको भी ऐसा ही घर बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।